ऋषियों ने श्रृंगी चिकित्सा और इसको महर्षि सुश्रुत ने रक्त मोक्षण चिकित्सा कहा है। ये जो हमारे राजकुमार जी हैं ये 50 साल से इस काम को कर रहे हैं और आज हम करनाल प्लस जिस पर हजारों हजारों लोग जुड़ते हैं कि हमारी परंपरा हमारी संस्कृति और कुछ खाली समाचार ही नहीं उपचार भी कुछ लोगों को जो है अपडेट रहे। अब जमाना बहुत आगे पहुंच चुका है तो खाली केमिकल जहर खाने में ही नहीं ये अपनी परंपराओं से जो बातें थी अब देखो ये सींग से इनके पुरखों ने बनाई थी ये सींगी। सींगी का मतलब होता है सींग से गाय का बैल का जो सींग होता था ये बकरे का सींग है गाय का बकरे का बैल का सींग लेकर के और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा एकदम प्लेन करके अंदर से पूरा साफ करके और फिर इसको जैसे यहाँ चिपका दिया है। अभी ये लड़की इसके हालात या क्या एक दूसरा भी माइक देना क्या नाम है बेटा तुम्हारा अनुराधा कितनी साल की उम्र 32 साल 32 साल की उम्र है और हालात क्या थी तेरी आने से पहले मैं चल नहीं पा रही थी और ये होल्ड जैसे माइक किया हुआ है ना ये हाथ में तो होल्ड नहीं कर पा रही थी कुछ भी चीज और यहाँ कोई दवाई नहीं खाई सब दवा बना और ये उंगलियां ऐसे जैसे मैंने पकड़ रखा है ना ये उंगलियां हाँ नहीं बैंड भी नहीं होती थी रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ती थी मैं रखती थी थाली रोटी का टुकड़ा भी नहीं तोड़ती थी थाली में रखती थी तब मैं रोती थी कब सारा मेरा काम मम्मी ही करती थी नहलाना धुलाना सर धुलाना। एक तरह से ये छोटी सी उम्र में गुड़िया बेड रिडन हो गई थी अब इसके दोनों पैरों में दोनों पैर यहाँ भी लगा है टखने के पास टखने में घुटने में और कलाई पर पूरा ऐसा बैंड नहीं होता था हाँ, ये मूव होने लगे अब मूव होने लग गए और अब हाथ भी अंगुलियां हाँ, हाँ, उंगलियां पूरी करके दिखाओ अब लो और इसको तो फंगल इन्फेक्शन और हो गया था हाँ, वो भी ठीक करेंगे अब तेरा नाखून और फट गया ये अर्थराइटिस से रोमेटिक हार्ट डिजीज रोमेटिक सोराइटिक अर्थराइटिस क्या क्या नहीं होता माने ये पूरा जो शरीर का सत्यानाश कर देती है ये जो एक वात की जो बीमारी है और उसको अब ये तीन बड़े फायदे हैं इसके एक तो सींगी लगवाने से जो काम स्टीराइड नहीं कर सकता जो काम कोई बायोलॉजिकल नहीं कर सकता कोई पेन किलर नहीं कर सकता खा रखे हाँ। है ना तूने स्टीराइड ना लगा दे मेरे क्या हालत हो गई हड्डी कट गई हैं हड्डी नहीं रही यहां पे हां ये यहां हड्डी नहीं अब यहां धीरे ये हड्डी नहीं नहीं यहां पे स्टीराइड हड्डी खत्म हो गई है नहीं हड्डी ले लो इसलिए चलने में प्रॉब्लम होती है यहाँ के फायदा हुआ है अब ये हड्डी भी रिज्यूनेट हो जाएगी हम हड्डी घिसी हुई हड्डी वापस ले आते हैं और बड़ी हुई हड्डी घिसा देते हैं अब बताओ स्टीराइड ठोक दिया हड्डी खत्म और ये पूरा लाल पड़ गया था यहाँ पे ये पूरा अच्छा बता बेटा क्या नाम बताया अनुराधा अनुराधा इतनी लुट पिट के क्यों आई पहले क्यों नहीं आ गई वो ना एस्ट्रॉइड दे रहे थे तो मुझे लगा रिकवर हो रही है मेरी प्रॉब्लम स्टीरॉइड दे करके ऐसा लगा तो मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आई वो डॉक्टर मुझे क्यों मिल गया कि मैं एस्ट्रॉइड खा रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ठीक हो रही हूँ बट जैसे ही छोड़ा प्रॉब्लम बढ़ के आई ये तो एमसीक्यू है ये तो चला रही थी क्लास योगा की योगा स्ट्रक्चर है अपने आप खराब एमसीए कंप्यूटर में मास्टर डिग्री की हुई है अब तेरे को ठीक करके फिर यही लगा देंगे तेरे को सेवा में नंबर आ गया था वहां से की राजस्थान आप तो मुझे यहीं रख लेना अब ये छोरी काम से गई थी इसकी माँ रोया करे थी मेरी गई छोरी काम से कैसे इसका ब्याह होगा कौन एक दिन ऐसा नहीं जो ना जब रोटी के टुकड़े तोड़ती थी तभी रोती कौन तोड़ा करेगा सारी जिंदगी रोटी रोटी कौन टुकड़ा कौन तोड़ा करेगा और आगे भी तो बहुत कौन मिलाएगा कौन चलाएगा इसको बहुत रोटी थी ब्याह करने की नहीं सोची थी कोई नहीं करेगा इसका अब ये ठीक होते ही ब्याह करेगी सबसे पहले कर लेना कोई बात नहीं और ना भी करना हो तो राजी रहना यहीं पे काम कर ठीक है काम कर लेना और कोई ढंग का सा मिल जाए तो ब्याह भी कर लेना नहीं तो हमारी तरह से मस्त रहना खैर ये तो अनुराधा बात इसकी हुई अब बाबा अब इसका हटाओ अब ये इसमें अभी टांच मारते हैं और फिर इसमें टांच मार करके या तो नई ब्लेड से मारते हैं बाबा या फिर जो है बहुत
हल्का सा थोड़ा थोड़ा खून सा आता है, और फिर इसमें प्रेशर लेकर के फिर खींच देते हैं। बहुत जोरदार काम है ये। अरे यहाँ तो पतला ही पड़ गया इसका। हाँ तो पतला पड़ गया, वो भी ठीक हो जाएगा। ना से दब गई सब लोग कहते वो तो कहता डॉक्टर इस पे भी एस्ट्रॉइड का इंजेक्शन लगा पीछे लगा दिया कमर में। बताओ सारे शरीर में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा लगा करके छोरी बावड़ी कर दी। यहाँ रख ले बेटा, पैसा लगा चुके कर्जा ले लेके इसको है। कोई बात ना, बस अब कोई बात नहीं, लग रहे थे नहीं छूटेगी, बस ऐसे रहने दो। अभी हिलाओ मत, अब ये इसमें से खून निकलेगा गंदा, झाग निकलते हैं, पानी निकलता है, स्टीराइड ठोकते हैं। बताओ इसका अनुराधा का तो पूरा कबाड़ा कर दिया शरीर। बाबा इसकी एड़ी पर लगा, वात कंटक बोलते हैं इसको, ये वात कंटक का घुटने पर भी ला दो और एड़ी पर भी, एड़ी को वात कंटक, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें, ये गोड्डे में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, आपके कैसे लगाओ या आपने कैसे? हाँ जहाँ जहाँ आपको पता है वहाँ लगाओ, तो इधर रखवा लीजिए, रखवा लें। फरवरी के महीने से वही दवाई खा रही, पतंजलि तो मैं ले आई थी सर, वो उसमें लेके आई थी, क्या ना कहाँ लाए थे गुड़िया, पतंजलि में फेसमंद में आ गई थी एक महीना पहले, वही दवाई करी थी, रागी की रोटी खाई। अब पहले ये सूखी सींगी लगाते हैं, खींचते हैं इसमें, और फिर इसके इस बार इसको टाँचना बाबा उससे। अच्छा हाँ हाँ, इसको टाँचना। अब देखो ये अब इस छोरी के ऐसे खून निकलता है अभी इसमें, अब ये अंदर ऊपर जमा हुआ है सारा, अब इसको ऊपर तो जम रहा ही है जिसकी। हाँ अच्छा ये खराब है। हाँ ये खराब खून है जिसका ऊपर तो जम गया वहाँ। अब देखो अब इसको साफ करके, ये हमने ये पतंजलि ये रख रखा है, एक रुए देना बाबा। अब ये रुए से ये पतंजलि का हमने जर्मी एक्स एंटीसेप्टिक ये लोशन बना रखा है, और इसको अब पूरा लगा करके अब इस पर हल्दी लगा देंगे, बस इतना सा है। अब लोग क्या क्या क्रीम लगाते हैं, जहर लगाते हैं, खाली हल्दी, हल्दी लगा के और उसको दबा देते हैं अच्छे से, बस बात ख़त्म। और लोग बावड़े हुए रखें, मैंने खुद लगवाई, मैंने यहाँ लगवाई, मैंने अपने पैर में लगवाई, मेरे पैरों में खड़े रहे क्योंकि बहुत लंबा लंबा 18-18 घंटे खड़े रहते हैं हम लोग काम तो करते रहे। दर्द है गुरु जी। अब वो मेरा पैर में भारीपन आता था वो खत्म हो गया, कुछ नहीं है ये, कोई भी लगा सकता है, और इसका नुकसान कुछ भी नहीं। पैर सो जाओ वो भी जाग जाएगा, बड़े अच्छे हैं। ये हो जाएंगे सही। अब ये वात कंटक बोलते हैं इसको, लगाओ भैया इसके एडी पे लगाना, इसकी एडी पे लगेगी वात कंटक भी खत्म। ये ऐसे कांटा सा कटता है, एडी में दर्द, टखने में, घुटने में, कमर में, कंधे में, कोहनी में, कलाई में, कहीं पर भी दर्द हो तो तीन चीजों में, एक तो दर्द में, दूसरा एक होता है बहुत खतरनाक रोग जिसको आंख से पास से चलता है कान तक जाता है, और उस दर्द का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। उसको भी जिनको वेरिकोज वेंस हो जाती है, दांत खाज चमला हो जाता है, पूरा शरीर काला पीला नीला पड़ जाता है, ये सारी चीजें ठीक होती है। हाँ करो बाबा। अब देखो ये पहले तो सूखी सींगी लगाई तो यहाँ से फूल गया, अब इसको टाँचेंगे हल्का हल्का, और थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा दर्द होता है, थोड़ा सा सहन करने की आदत, मामूली सा होता है, ऐसे जैसे चींटी काटती है ना इतना सा ही दर्द होता है। मैं यहाँ कहाँ आती बाबा जी, ये इनको क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, मैं तो इनके साथ आई। हाँ तो ठीक है, तेरा भी ठीक हो जाएगा, उसका क्रिएटिनिन ठीक कर देंगे, दोनों का ही काम हो जाएगा। तो ये दर्दों का और
इनका तो इससे माने 90 से लेके 99 और 100% दर्द 10 मिनट में खत्म, 20 मिनट में खत्म, ऐसा काम है। अब ये बैठा है, इसको पैरालिसिस हो रखा था, इसको भी लगवाएंगे एक सींगी, इसकी कमर में लगवाएंगे, कमर ब्रेन और रीढ़ की हड्डी इसका संबंध होता है। अब पूरा खींच के इनके प्राणायाम में बड़ा दम है, इनका प्राणायाम करे पूरा ये तभी खींचा है, नहीं तो खींचेगी नहीं। और ये राजकुमार कितने साल को हो गया भाई, 70 साल क्या? आज इसको लगभग लगभग 65 से 70 के बीच में है। अब ये ऐसे इधर भी ये ना ये, अब ये जैसे इसको भयंकर दर्द है। हाँ अब ये बात कंटक है, एडी के दर्द का कोई इलाज नहीं है। अब जैसे इस छोरी ने अनुराधा ने कबाड़ा करा दिया, ताऊजी ने बचा लिया। ये तो अपने मोतीलाल जी की बेटी है ना, जुड़ी हुई है अपने मोतीलाल जी, मिठाई वाले हैं, मिठाई वाले, हाँ बीकानेर वाले, स्टीरॉइड नहीं लिए। हाँ स्टीराइड बच गए, हाँ इसने स्टीराइड ठुकवा लिए, हड्डियाँ गड़वा ली, शरीर बेकार कर लिया, ये पतला पड़ गया, रात ही पतला पड़ गया, तगड़ा हो जाएगा, चिंता मत कर। डॉक्टर सारी जिंदगी दवाई खाएगी और सारी जिंदगी, और हर 3 महीने में टेस्ट, हार्ट किडनी और लीवर का टेस्ट कराएंगे। हर 3 महीने में हार्ट लीवर किडनी टेस्ट इसलिए कराते हैं कि वो तो फेल हो गए, तो फिर फेल हो गए तो कह देंगे तो क्या करें, तो दवाई का साइड इफेक्ट है, ये तो नोन है, लिखा हुआ है। और फिर वो मर गई तो मर गई, थारी छोरी मरेगी, तू रोगी, डॉक्टर तो अपना ठीक है, उसने तो अपना जो माल काटना था काट। तो ये है महाल, तो ये वात कंटक का, और जो है सभी प्रकार के चर्म रोगों का, वेरुकोज वेंस का, और ट्राइजिमिनल न्यूरोलॉजिया जो यहाँ से आँख के पास से, ट्राइजिमिनल न्यूरोलॉजिया का अप्रतिम है, इसका भी लगा देंगे कोई नहीं। यहाँ भी है अभी, कितना है? हाँ इसके भी इधर लगाना भाई, एक यहाँ बाबा, एक इधर लगाना, इसके एक यहाँ लगेगी, अभी इसके दोनों पैरों में सींगी लगेगी और तो दौड़ेगी फिर। ले गोड्डे तेरे भी ठीक कर देंगे, तब के नए हो जाएंगे गोड्डे, ये हालत है। अब ये जो विद्या है, ये विद्या भारत में लुप्त हो गई थी, ये सींगी जो है श्रृंगी चिकित्सा या रक्त मोक्षण, खराब खून शरीर में से निकालना। देखो नस्य से खराब कफ निकलता है, रक्त मोक्षण से खराब खून निकलता है, और उल्टी करने से खराब पित्त निकलता है। ये तीनों चीजें एलोपैथी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना वमन का कॉन्सेप्ट है, ना ये इस तरह से रक्त मोक्षण का कॉन्सेप्ट है, और ना नशे का कोई कॉन्सेप्ट है। वो ज्यादा से ज्यादा कोरोना में स्टीम लेना सीख गए थोड़ी बहुत, इससे आगे बिचारों को ABCD नहीं आती वात पित्त कफ की। और ये लोग जो है इस काम में, क्या नाम भाई तेरा? वीर सिंह जी। कहाँ से है? कायमपुर से। कायमपुर जी। कहाँ पर पड़ता है ये? यहाँ पड़ता है बिरालसी के पास है, जिला मुजफ्फरनगर के। मुजफ्फरनगर से ये कायमपुर से? और बाबा राजकुमार तुम सब कायमपुर वाले हैं ये? तो इधर कायमपुर से, भिवानी से, और कहाँ, राजस्थान से, बिहार से, बंगाल से, ये विद्या हम यहाँ ले आए। यहाँ करीब अभी 25 लोग हमने बुला रखे हैं, ये अभी 100 आ जाएंगे, और रोज कम से कम 1000 लोगों को हम लोग नस बचा के, हाँ नस तो बचानी पड़ेगी, नहीं तो नस यहीं से तो काटते हैं बच्चे सुसाइड करने के लिए। सुसाइड करने के लिए मिलता क्या है? अब मरे लोग दुनिया में मर रही है, जो है बावड़ी है दुनिया, बावड़ी है दुनिया। कोई तो अपनी देखो कितनी जिंदगी बचाने के लिए आए हुए हैं अपनी, और ये खुद ही अपनी जिंदगी को खो दे। नस को ऊपर लगा, ऊपर की तरफ कर लेगा दर्द, जब दर्द नहीं देख सकते तो जिंदगी खोने को कैसे खो लेते हैं? तो ट्राइजिमिनल न्यूरोलॉजिया के लिए
आंखों की बीमारी के लिए, कान की बीमारी के लिए, इसमें थोड़ा रक्त मोक्षण का दूसरा है लीच, उसको लगा देते हैं एक यहाँ और ये सिंगी भी लगती है, यहाँ पर भी लगती है, यहाँ पर भी लगती है, कनपट्टी पे भी लगाओ ना बाबा, कनपट्टी पे। हाँ तो ये आंखों कटने लगेगा, हाँ वहाँ पे कटने लगेगा, एक दो लगाया करो। चलो हम रक्त वो लीच लगाते हैं यहाँ, तो एक एक लगाते हैं, तो एक या दो कट लगाए खाली। देखो ये पानी है इसके अंदर, हाँ गंदा पानी निकला, गंदा पानी है ऐसा। अब तेरा दर्द गायब बेटा, बाबा ब्लेड दे दी, अभी देखना चल के, देर में नहीं, अभी देखना, रुको रुको अब हल्दी लगाने दो, सफाई होगी। तो ये है विद्या, भारत की प्राचीन विद्या जिसको सिंगी कहते हैं, श्रृंगी चिकित्सा कहते हैं, जिसको रक्त मोक्षण कहते हैं, जो ट्राइमरी जनरलाइजिया के लिए, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, कोहनी का दर्द, कमर पूरा सियाटी का पेन, रांगड़ बाय, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो इन सारी चीजों से बड़े रोग से मुक्ति मिल जाती है। तड़पते बिलखते लोग यहाँ थोड़ी देर में, अभी आप इनको देखेंगे, ये दौड़ते मिलेंगे। अब ये लड़की अब इसके दूसरे हाथ में लगाई है, चल बेटा ये तो हो गई, अभी खड़ी होकर के चल के दिखा तू। पहले क्या हालत थी तेरी? पहले तो ऐसे भी नहीं बैठ रही थी, बैठ भी नहीं सकती, ये घुटना नहीं मुड़ रहा था। चल के दिखाओ, अब चल के दिखा चल। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये दिख रहा है जमाने को, आराम से जा बेटा। हेलो भाई, जोरदार ताली बजा दो अनुराधा के। ये है दुनिया का, तू भी खड़ी होके जी जी चल के दिखा, क्या हाल है तेरा घुटने के दर्द का? इधर आ, इधर जा। तेजी से चलो इधर आ। हाँ क्या हाल है? अभी पहले जो दर्द था और अब जो दर्द हो रहा है, ठीक हो गया? लो भाई इसके लिए भी ताली बजा दो। अब ये भी कार्य ठीक हो गया, मुड़ा ही नहीं था, मुड़ने लग गया, मोड़ के देख रही है। 10 मिनट पहले मुड़ नहीं रहा था, अब मुड़ने लग गया। अब ऐसे इसका हाल होगा, इसका भी जो वात कंटक है इसका भी कांटा कटेगा। तो ये है श्रृंगी चिकित्सा, सिंगी चिकित्सा, रक्त मोक्षण, और जिनको भी ये दर्दे हैं उनके लिए इससे बेहतर कोई दूसरा उपचार हो नहीं सकता।